कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में ठंडी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, तो उसी हवाले से आज मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। तो जो इसके अंदर भल्ले होते हैं बड़े साइज के, आज हम वो भी घर पे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा और बेसन। बेसन हमें चाहिए होगा 1 कप और मैदा चाहिए होगा 1/2 कप। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर 1 पिंच जाएगी फूड कलर की। इसकी मेजरमेंट ऐसे होती है कि जितना आपने बेसन लेना है उससे 1/2 क्वांटिटी में मैदा लेंगे। अब इसके अंदर नमक जाएगा 1 टीस्पून, अजवाइन जाएगी 1/2 टीस्पून और ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और अब पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है और मिक्स करते जाना है। ऐसे अच्छे से मिक्स कीजिए और गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। यूं चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएं इसको। अब मिक्सिंग का काम तो हो गया है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, तो उसके लिए हाथों की जरूरत होगी। हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और यूं इसके अंदर अच्छे से घुमाते जाएं, हर तरफ अच्छे से घुमाएं ताकि अंदर कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रह जाए। उंगलियों को थोड़ा सा बेंड करें और फिर इसके अंदर घुमाएं। अब लास्ट पे हम ये फूड कलर जो है ऑरेंज फूड कलर, ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है इसका। ऐसा ही स्मूथ और लम्स फ्री बैटर आपका होना चाहिए। तो लीजिए ये बैटर तैयार हो चुका है। इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए एक साइड पर, उसके बाद इसे फ्राइंग के लिए यूज करेंगे। तो बैटर मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा था। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन की और ऐड कर दी है, तो ये इतना गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको भी पतला लगे तो आप भी गाढ़ा कर सकते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसके अंदर जब ये बैटर पोर करें आप, तो इसके इर्द गिर्द बबल्स बने। ऑयल आपका ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना भल्ला जो है वो डालते ही गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये हमने सारे इसके अंदर डाल लिए थे, तो देखें कितने खूबसूरत ये फूल चुके हैं। अब एक एक करके इसको हम उल्टा लेंगे ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे फूले हैं ये। अब इनको निकाल लेंगे, निकाल के इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब बारी है इमली की चटनी की। मीठी चटनी है ये, खट्टी मीठी चटनी जो कि दही भल्लों के साथ बहुत ही मजे की लगती है। इसके लिए इमली चाहिए होगी 1 प्याली, हमने इसे भिगो लिया था पहले। चीनी चाहिए है 1/2 कप, नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून और काला नमक भी 1/2 टीस्पून। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पैन में ये इमली डाल दें, साथ 1 ग्लास पानी डाल दें, इसी के साथ 1/2 टीस्पून जीरा शामिल कर दें इसके अंदर। और अब हम इसे मिक्स करके पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है, जब तक कि ये पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और इमली जो है उसको वो अपना गुदा अलग नहीं कर देती। ये देखिए ये सिचुएशन में आ गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और यूं इसको छान लेंगे सारे मिक्सचर को। तो ये छन चुकी है अच्छे तरीके से। आपने गुठलियां अलग कर लेनी है और इसका गुदा अलग कर लेना है। अब इस पल्प को वापस पैन में डालेंगे, चीनी डाल देंगे, काला नमक और सादा नमक 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको गाढ़ा होने देना है। तो पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और पानी उतना डालना है जिसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस ना हो जाए, हमें मिल जाए। थोड़ा और ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये बाकी बचा हुआ भी ऐड कर लेंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसके ऊपर एक अलग सी शाइन आ गई है। 2 मिनट आप इसको पकाएंगे, हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो जी अब हमने जो भल्ले बनाए थे वो ठंडे हो चुके हैं, अब आपने इनको पानी के अंदर ऐड कर देना है और पानी के अंदर ऐड करके आपने इनको 15 मिनट डिबो के रख देना है अच्छे तरीके से। 15 मिनट इसको एक साइड पर रख दें, तब तक हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं दही भल्लों के लिए। ग्रीन चटनी मैंने आपको पहले बनाना सिखा दी हुई है बर्गर वाली रेसिपी में, जो स्ट्रीट फूड स्टाइल बर्गर मैंने बनाए थे, तो ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। दही भल्ले भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो देखिए जनाब ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए यूं हाथों में इसे प्रेस करके हमने इसका एक्सेस पानी जो है वो रिमूव कर देना है, नरम नरम हाथों से दबाकर पानी निकाल देना है। इसी तरीके से अब फिर अपनी फिंगर्स पर रखेंगे और दूसरे हाथ की फिंगर्स से इसको प्रेस करके पानी निकाल देंगे यूं दोनों तरफ से, और लीजिए इस तरह से लगाते जाएंगे बर्तन में। और अब बाकी भल्लों का पानी भी हमने रिमूव करके तो इसे यूं बोल में सेट कर लिया है। तो अब इसकी असेंबलिंग की बारी है, उसके लिए हमें दही चाहिए होगा 1/2 किलो, प्याज बारीक स्लाइस में कटा हुआ, उसके अलावा आलू हैं बॉइल्ड किए हुए, उबले हुए आलू हमने यूं क्यूब्स में काट लिए हैं, टमाटर है बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज हैं बारीक कटी हुई, ये चिली फ्लेक्स हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये साथ में चाट मसाला है, इमली की चटनी जो हमने बनाई है, और ग्रीन चटनी जो धनिया और पुदीने की होती है ये भी हमने खुद तैयार की है, और ये पापड़ी है जो फ्राई की है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें चाहे ना करें। तो चलिए इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर दही लगाएंगे। दही को यूं आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि उसके अंदर की जो गुठलियां हैं वो अच्छे से दही जो मेल्ट हो जाए। ये उबले हुए आलू हैं इसके ऊपर लगाएं, तमाम चीजें हम बारी बारी इनके ऊपर लगाते जाएंगे, टमाटर, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, और ये प्याज बारीक कटी हुई, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स ये जाएंगे इसके ऊपर, अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद अब ये जो चटनियां हमने तैयार की हैं मजे मजे की, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ग्रीन चटनी चली गई है, अब इमली की चटनी डालेंगे। तो लीजिए जनाब इमली की चटनी डल गई है। अब हमने सेम लेयर एक और लगानी है, यानी कि दही डालेंगे, दही के ऊपर अगेन चटनियां डालेंगे। ये गई ग्रीन चटनी और ये इमली की चटनी। इन दोनों चटनियों का कॉम्बिनेशन और फ्लेवर जो है वो दही भल्लों के साथ बहुत मजे का लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो है पापड़ी है, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा मजे का हो जाता है, थोड़ा क्रंची थोड़ा सॉफ्ट। अच्छे से क्रश करके ये इसके ऊपर डाल देंगे और अब लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और साथ चिली फ्लेक्स। तो लीजिए जनाब हमारे मजेदार दही भल्ले तैयार हैं, इसे अपने घर वालों के साथ एंजॉय करिएगा, जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।